हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। जो लोग एम्स में दिखाना चाहते हैं जहां पर वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हैं, वहां पर आप अपना नंबर ऑनलाइन कैसे बुक करा सकते हैं, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। व्यूअर्स, आप भारत में जहां भी रहते हैं, आप अपने नज़दीक के एम्स में आसानी से ऑनलाइन अपना नंबर बुक करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भारत के किसी भी स्पेशल एम्स में भी दिखाना चाहते हैं तो उसमें भी आप अपना नंबर बहुत आसानी से बुक करा सकते हैं, जिसकी फ़ीस केवल 10 रुपये है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आप अपना नंबर एम्स में किस तरह से आसानी से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे ors.gov.in और सर्च करेंगे। यहाँ पर पेज खुलेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें येलो ऑप्शन को प्रेस करना है जिसमें लिखा है बुक अपॉइंटमेंट नाउ। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। इसके बाद ये जो ग्रीन कलर में कोड लिखा है इसको हम एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब हमारे फ़ोन में एक OTP आएगा जिसे मुझे यहाँ पर लिखना है। OTP आ चुका है, अब मैं उसको यहाँ पर एंटर करता हूँ और प्रोसीड। इसके बाद ऑप्शन आएगा आपके पास नए पेज में, 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, आई हैव आधार, आई डोंट हैव आधार, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेशेंट, और नीचे है ऑप्शन कैंसिलेशन और प्रिंट के लिए जो रेड कलर में। तो हम आई हैव आधार को प्रेस करेंगे, जो सबसे पहला ऑप्शन है जो कि ब्लू कलर में है। इसको करने के बाद हमें ऑप्शंस दिखाई देंगे स्टेट और हॉस्पिटल और डिपार्टमेंट। स्टेट हमने मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली है, लेकिन आप कोई से भी स्टेट में किसी भी एम्स में दिखाने के लिए उस हिसाब से स्टेट को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने दिल्ली दिया। उसके बाद हॉस्पिटल की लिस्ट आ गई, हॉस्पिटल में मैंने एम्स को चूज़ किया। और यहाँ पर ये जो मैसेज आता है उसके बाद ये लिखा होता है कि इसमें 50% जो लोग हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 30% डायरेक्ट विंडो पर वहाँ पर एम्स में, और 20% रेफरल के लिए ऑप्शंस रहते हैं। इसको हम ओके कर देंगे और फिर यहाँ से हम डिपार्टमेंट को चूज़ करेंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, डेंटिस्ट, ENT, फिर सर्जरी, हार्ट, हेमेटोलॉजी, मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे कि आपको किस प्रॉब्लम से रिलेटेड दिखाना है। हम यहाँ पर चूज़ करते हैं RP सेंटर, आई सेंटर, और यहाँ से प्रोसीड कर देते हैं। तो नया पेज हमें खुल जाएगा। यहाँ पर डेट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पर आपको एक एरो दिखाई देगा, ये इससे आप मंथ को चेंज कर सकते हैं, और बिल्कुल राइट हैंड साइड को ऊपर। और यहाँ से हम अपनी डेट को चूज़ करेंगे। मैंने नवंबर को मंथ चेंज किया है और 7 तारीख को मैंने प्रेस किया। और यहाँ पर देखिए नीचे जहाँ प्रोसीड लिखा है उसके ऊपर आ गया सिलेक्टेड अपॉइंटमेंट डेट 7/11/2019। यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे और आगे आ जाएंगे। अब हमें अपने आधार नंबर को यहाँ वेरीफाई करना है, क्योंकि हमने शुरू में आधार को सबसे पहला ऑप्शन चूज़ किया था। मैं अपना आधार नंबर यहाँ डाल देता हूँ और फिर ये जो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ और डिक्लेरेशन है उस पर टिक करके इसको सबमिट कर देता हूँ। फिर हमारे पास एक OTP आ जाएगा उस नंबर पे जो कि आधार से लिंक है, और वहाँ से हम OTP को यहाँ एंटर करते हैं। और फिर ये कोड पहले मैंने डाल लिया है यहाँ पर, क्योंकि OTP अभी एक कुछ सेकंड में आ ही जाएगा, वो आ गया है। तो मैं अब इसको एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर और प्रोसीड। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नया पेज हमें खोलेगा वो हमें ये बताएगा कि अब आपका रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए कि आपकी क्या डेट है, कहाँ आप दिखाने जा रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में आप दिखाने जा रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर ये है।
तो अगर ये बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो नीचे जो ऑप्शन लिखा है कि डू यू वॉन्ट टू कन्फर्म, तो अगर है तो फिर बुक अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक कर देंगे। फाइनली हमने यहाँ क्लिक कर दिया। अब हमारे पास जो नया पेज आया अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन स्टेटस, यहाँ पर आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आप अपने पास रखेंगे संभाल कर। यहाँ प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं यार आप, और पे भी कर सकते हैं। पे यानी 10 रुपये आपको इसकी फ़ीस जमा करनी है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, नहीं तो आप जब एम्स में पहुंचेंगे तो सुबह विंडो पर, रजिस्ट्रेशन विंडो पर जाकर भी आप 10 रुपये वहाँ पर पे कर सकते हैं। ये लिखा हुआ भी है रेड कलर में, तो हम इसको ऑनलाइन पे करते हैं यहाँ पर अभी। कि कैसे, मुझे दिखाना भी है आपको कि आप ऑनलाइन भी इसको पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पेज खुल कर आएगा कि अगर हमें 10 रुपये, तो प्रोसीड टू पे 10 रुपीज़, हमारे पास ये एक पेज खुलकर आएगा हमारे मोबाइल में। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिखा रहा है आपको, कार्ड के ऑप्शंस दिखा रहा है कि अगर आप कार्ड नंबर डालेंगे तो आप पैसे पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उसका यहाँ ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो हम इसके लिए अपने मोबाइल को थोड़ा सीधा करेंगे, जिस तभी वो ऑप्शन दिखाई देगा, नहीं तो वो ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो अभी मैं इसको मोबाइल को सीधा करता हूँ। देखिए राइट हैंड साइड पे ऊपर 3 ब्लैक कलर में जो लाइंस दिख रही हैं छोटी छोटी, उन पर हम क्लिक करेंगे तभी हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। और इसमें हम इंटरनेट बैंकिंग को चूज़ करेंगे क्योंकि मोस्टली लोग इंटरनेट बैंकिंग को सेफ मानते हैं। यहाँ पर आपका अगर बैंक सामने दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऑल बैंक्स जो नीचे लाल कलर में लिखा है आप उसे प्रेस करेंगे और सारे बैंक्स यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे कि DCB बैंक और HDFC, इंडियन बैंक, कोटैक बैंक, इस तरीके से यूको बैंक। यहाँ मैंने यूनियन बैंक को चूज़ किया है और मैं उसमें, ये देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है, लॉगिन पासवर्ड डालकर यहाँ से हम अपना पैसा पे कर सकते हैं। तो ये तो सारा ऑप्शन मैं समझता हूँ यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन आराम से करा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको बाद में एक प्रिंट भी चाहिए या फिर आप इस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कराना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो फिर आप क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पर ors.gov.in टाइप करेंगे, वही पहले जैसा ही सेम प्रोसेस। और वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आप फिर सेम बुक अपॉइंटमेंट नाउ पर प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे नए पेज पर। यहाँ पर आप फिर वही मोबाइल नंबर अपना एंटर करेंगे जिसे हमने पहले डालकर अपना रजिस्ट्रेशन किया था। ये मैंने नंबर ऐड कर दिया और ये जो ग्रीन कलर में जो कोड लिखा है इसको भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास फिर एक OTP आएगा, कुछ सेकंड में हम उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे। मेरे पास आ चुका है OTP, मैं उसको एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। प्रोसीड नेक्स्ट पेज, फिर वही आ गया। अब हम इसमें लास्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे जो रेड कलर में है सबसे लास्ट, लेकिन जब आप मोबाइल में इसे यूज़ करेंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे तो शायद ना दिखाई दे, हमें मोबाइल को सीधा करना होगा तब मोबाइल में ये ऑप्शन दिखाई देगा इस तरीके से। देखिए लिखा है व्यू, प्रिंट, कैंसिल अपॉइंटमेंट या पे, जो भी आप चाहें यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो हम लाल ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन फिर वही दिखाएगा कि जो आपने स्टेट क्या चूज़ किया था, कौन सा हॉस्पिटल था, वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। और साथ ही साथ जो सर्च क्राइटेरिया में जो तीसरा ऑप्शन माना जाए तो उसमें हम वही नंबर डालेंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय पर अपना फ़ोन नंबर डाला था। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो हम बाय मोबाइल नंबर, ये जो तीसरा ऑप्शन लास्ट में है इसको चूज़ करेंगे, बाय मोबाइल नंबर, और इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। आगे जो ऑप्शन हमें आगे दिखाई दे रहा है उसमें हम अपना वही मोबाइल नंबर डालेंगे जिसको हमने पहले डाला था, जिससे हमने रजिस्ट्रेशन किया था। और इसको मैं लगभग एंटर कर चुका हूँ। फिर हम ये जो कोड लिखा हुआ है ग्रीन कलर में इसको हम यहाँ पर एंटर करके प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास वही डिटेल सब आ गई और फिर हमारे पास OTP भी आ गया मोबाइल नंबर पर। हम
मैंने इसको यहाँ पर एंटर कर दिया और वेरीफाई ओटीपी पर प्रेस किया। प्रेस करने के बाद हमारे पास वो सारी डिटेल आ गई जो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था जिस नाम से। उससे अभी राइट हैंड साइड पर आप देखिए जो कैलेंडर छोटा सा बना है उस पर क्रॉस बना है, इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपको अपनी इस रिसिप्ट का प्रिंट चाहिए तो आपके पास पहले भी ऑप्शन आए थे, आप वहाँ से आसानी से प्रिंट निकाल सकते हैं जो कि पहले स्टेप में भी थे। और अगर आप दोबारा इसको लॉग इन करेंगे या फिर अपने मोबाइल फ़ोन को वेरीफाई करेंगे तो वहाँ से भी आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन की स्लिप है उसका प्रिंट के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे आसानी से। आई होप व्यूअर्स आप सीख गए होंगे कि आपको ऑनलाइन कैसे नंबर बुक कराना है। और अगर फिर भी आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।